नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है शाहजहांपुर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। एक एक सड़क को बनाने का काम, जहां पुल की आवश्यकता थी मैं गया था प्रिंस के विधानसभा क्षेत्र में, और जब मैं उस क्षेत्र में गया था इन्होंने विधानसभा में एक प्रश्न लगाया था कि हमारे यहां गंगा नदी में एक पीपे का पुल बनाया जाए। मैंने खन्ना जी से बोला, मैंने कहा ये तो आप ही के साझापुर का विधायक है ना, इन्होंने कहा हाँ। और खन्ना जी ने बताया कि ठाकुर रोशन सिंह का गांव है, तो मैंने कहा इन विधायक जी को बुलाओ और इनको पक्का पुल दे दो एक वहां पे। बहनों और भाइयों, आज वहां पक्का पुल बन गया है। मुझे परसों में गया था वहां, उन्होंने मुझे बताया कि पक्का पुल वहां बन चुका है। बहनों और भाइयों, जहां पे सरकार आग्रह करके बुला करके विकास का कार्य दे रही हो, विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही हो, ये नया भारत है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की बात ही क्या, पहले लोग भूख से मरते थे, 80 करोड़ लोग राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पहले स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी, और अगर कोई बीमार होता था तो पैसा भी नहीं था। आज 5 लाख रुपए की सुविधा हर वर्ष 60 करोड़ लोगों को देश में मिल रही है। और यूपी में तो हमने व्यवस्था की, कोई गरीब बीमार हो जाता है आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो मैं कहता हूं विधायक सांसद पूर्व विधायक पूर्व सांसद कोई पदाधिकारी कोई नहीं, पीड़ित स्वयं ही पत्र भी लिख देता है, हम उसको पैसा उसके खाते में भेज के कहते हैं भैया ये उपचार करा लो, निश्चिंत हो गए उपचार कराना, चिंता मत करना, चिंता सरकार करेगी, क्योंकि पैसा मेरे घर का नहीं है, आप ही का पैसा है, और आपका पैसा आपके उपचार में खर्च हो जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। बहनों भाइयों, इसके लिए हम सफल इसलिए हुए क्योंकि मोदी जी ने हर गरीब का खाता खोल दिया है, जनधन अकाउंट, पैसा सीधे गरीब के खाते में जाता है। बहनों भाइयों, किसान को किसान सम्मान निधि, गरीब के घर में शौचालय, हर गरीब के घर में रसोई गैस का सिलेंडर, हर गरीब को मकान मिल गया, हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन मिल गया, और सहकारिता के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग भी यही साझापुर से जेपीएस राठौर भी उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहनों भाइयों, एक साथ कैसे विकास के कार्यक्रम आगे होने और गरीब कल्याण योजनाएं कैसे बढ़ सकती हैं, यह तो चल ही रहा है, साथ साथ ये भी चल रहा है। कैसे हम लोग हर एक व्यक्ति को सुरक्षा का बेहतर माहौल दे सके, आपने पिछले 7 वर्ष में यूपी में कहीं दंगे का नाम सुना है क्या? आज दंगा नहीं होता है, कर्फ्यू का नाम सुना है यूपी में, अब कर्फ्यू नहीं लगता है, अब तो कावड़ यात्रा निकलती है धूम धड़ाके के साथ में। बहनों और भाइयों, अब तो माफिया और अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हैं,